हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आपको एक सिनेरियो देते हैं। देर आर टू पेशेंट्स, पेशेंट ए एंड पेशेंट बी, जिनको सेम बीमारी है। दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड नाउ वी हैव दिस टू पिल्स। दिस इज अ रियल पेन किलर एंड दिस इज अ फेक पेन किलर जिसमें बस ग्लूकोज का पाउडर भरा हुआ है। एंड नाउ सपोज दैट कि हमने रियल वाला पेन किलर पेशेंट ए को दिया एंड फेक वाला जो पेन किलर है वो पेशेंट बी को दिया, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए दोनों का? सो आइडियली जिसको बस रियल पेन किलर मिला उसी का दर्द ठीक होना चाहिए, बट रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर हम पेशेंट को एक फेक पिल देते हैं बट उसे ये बताते हैं कि रियल पिल है या रियल पेन किलर है जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा, तो एक्चुअली में पेशेंट रिपोर्ट करता है कि उसका दर्द कम हो गया। और ये सिर्फ ये पेन किलर्स के लिए नहीं वैलिड है, ये बहुत सारे मेडिसिन पे पाया गया है। तो आपको वीडियो का टाइटल देखे तो पता चल ही गया होगा कि ये जो इफेक्ट है इसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। एंड जो हमने फेक मेडिसिन दी थी पेशेंट को दैट इज नोन एज प्लेसिबो मेडिसिन। आइए समझते हैं कि क्या है ये प्लेसिबो इफेक्ट एंड हाउ इट कैन अफेक्ट योर लाइफ एंड हाउ यू कैन यूज दिस इफेक्ट टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल। तो प्लेसिबो इज बेसिकली अ डमी मेडिसिन, पेशेंट को लगता है कि वो रियल मेडिसिन है। जो कफ सिरप्स यूज करते हो ना, ऐसा पाया गया कि 85% जो कफ सिरप्स हैं उनके जो एक्चुअल कंटेंट्स हैं उसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, वो बस एक प्लेसिबो की तरह एक्ट करते हैं। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है ये बेसिकली आपका परसेप्शन चेंज करता है, एक्चुअल बीमारी नहीं ठीक करता है। तो नाउ हम बात करते हैं कि क्या एक्चुअल मैकेनिज्म है इस प्लेसिबो इफेक्ट के होने का। तो इसके लिए दो प्रोमिनेंट थ्योरी सामने आती है। जो पहली थ्योरी है उसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग एंड जो सेकेंड थ्योरी आती है दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है कि हम जो डेली एक्सपीरियंस करते हैं उसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो कंडीशन हो जाता है उसके लिए, जिसकी वजह से कई बार जो इफेक्ट है वो दिमाग की कंडीशनिंग की वजह से ही आ जाता है। मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आपको एक कोई डमी या प्लेसिबो पेन किलर में लगा दो, तो आपके दिमाग के पास एक्सपीरियंस है कि जब मैं यही वाला पेन किलर यूज़ करता था तो मेरा पेन ठीक हो जाता था। तो जब आप वो डमी भी यूज़ करोगे तो आपके दिमाग में वो कंडीशनिंग बनी हुई है कि जब वो पेन किलर यूज़ होगा तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट काम करेगा और आपका दर्द एक्चुअल में ठीक हो जाएगा। एंड जो सेकंड पार्ट इससे ही मिलता जुलता है वो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। जैसे कि आपका दिमाग एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई दवाई उससे मैं ठीक हो जाऊँगा, या फिर उसके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। तो एक्चुअल में बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया कि इससे पेशेंट को काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट होता है। बट इसका एक दूसरा इफेक्ट भी है, अगर पेशेंट को लग रहा है कि इस दवाई से बहुत साइड इफेक्ट होते हैं या फिर इस दवाई से मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो प्लेसिबो देने पे साइड इफेक्ट भी आते हैं और ऐसे प्लेसिबो को हम नोसिबो कहते हैं, यानी रिवर्स प्लेसिबो, यानी ऐसा प्लेसिबो जो नेगेटिव काम कर रहा है यानी साइड इफेक्ट को भी बढ़ा रहा है। और एंटीसिपेटरी थ्योरी की ट्रूथ आप इस वीडियो में देख सकते हो। जब हम कोई प्लेसिबो पेन किलर देते हैं तो दिमाग में एक्चुअल में ओपियोइड्स सीक्रेट होते हैं और ओपियोइड्स वो केमिकल हैं जो कि हमारे पेन के परसेप्शन को कम कर देते हैं। इसका मतलब कि जो डमी पेन किलर दे रहे हैं उससे भी वही इफेक्ट आ रहा है जो कि रियल पेन किलर से आ रहा है, और ये एक्सप्लेन करता है कि प्लेसिबो इफेक्ट कितना ज़्यादा पोटेंट है। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेडिसिंस। ये बस मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है कि आपने कोई ऐसी प्लेसिबो लिया जो कि आपके एक्चुअल इफेक्ट को मिमिक कर रहा है। इस चीज़ का एक्चुअल रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, अगर आपको सब्जेक्ट बहुत पसंद है या जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है आपको वो टीचर में काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा ही पढ़ाएगा, तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझोगे। बट जब आप पहले से ही दिमाग में प्री कंडीशनिंग बना लोगे, पहले से एंटिसिपेट जो करते हो ना आप दिमाग में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप पहले से एंटिसिपेट करके चल रहे हो कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है या ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आने वाला है, तो फिर वही प्लेसिबो इफेक्ट की तरह का सिमिलर इफेक्ट काम करता है और आपको एक्चुअल में उसे समझने में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो ब्रेन है ये एक्चुअल में कंट्रोल करता है कि क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने ब्रेन में कैसे थॉट्स ला रहे हैं। अगर आप अपने ब्रेन में लगातार पॉजिटिव थॉट्स लाओगे, पॉजिटिव अफर्मेशन लाओगे, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप हमेशा ये सोचोगे कि आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, आप में हमेशा इतना कॉन्फिडेंस रहेगा आगे जाने का, तो वो एक तरीके से आपके एक्चुअल एक्सपीरियंस में भी नज़र आएगा। और मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जरा काउंटलेस स्टडीज लाइक दिस माउंट आबू हार्ट ट्रायल। इस हार्ट ट्रायल में जो एथरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट थे, यानी जिनके आर्टरी में ब्लॉकेज थी, ऐसे पेशेंट को योगा एंड पॉजिटिव माइंडसेट वाली थेरेपी से गुजारा गया एंड वी फाउंड दैट एक्चुअली जो ब्लॉकेज है वो कम हो गया था बिकॉज ऑफ ओनली दिस थेरेपी दैट अफेक्ट्स योर माइंड। कभी भी चैलेंज आए तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना, ठीक है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, टेस्ट में आपके नंबर नहीं अच्छे आ रहे हो या फिर कुछ भी हो रहा हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव अप्रोच रखो। कोई भी प्रॉब्लम आए उसे पॉजिटिवली सोचो, क्योंकि अगर आप दिमाग में पहले से कोई पॉजिटिव इमेज बना के चलोगे, पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रखोगे कि हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ या फिर मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो आपके जो चांसेस वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएंगे।